हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आज हम जो कक्षा 3 से 5 में 2 फरवरी को गणित का होमवर्क आया है, हम इसको करेंगे। आज आपको स्केल का प्रयोग करना सिखाया जाएगा ताकि आप वस्तुओं की लंबाई बता सके। तो बच्चों, इसमें आपको एक चीज हमेशा देखनी है कि स्केल में, जैसे ये देखो, ये फुट्टा बना हुआ है, आपके पास में भी होगा। यहाँ 0 से होता है और यहाँ लिखा हुआ 1। तो देखो, 1 से लेकर यहाँ पर, यहाँ 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। तो अब आप गिनो, 1 से 2 1, 2 से 3 2, और 3 से 4 3। यानी कि यहाँ पर कितने आए हैं, या आप यहाँ 4 में से 1 घटा लो तो कितना आ गया, 3। यहाँ पे इसकी कितनी लंबाई है, 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहां देखो, यहां फिर 1 से 4 है तो 4 में से 1 घटा लो। ये जो आगे वाला, इसमें से पीछे वाली जो लाइन है उसको घटा लो। देखो ये लाइन यहां लगी हुई है, 4 में से 1 घटाए कितना आए, 3 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से आप ये देखो, यहां पर आगे कितना है, 3, और यहां कितना है, 1। 3 में से 1 गया तो कितने आए, 2 सेंटीमीटर। यहां देखो, 4, 4 में से 3 के कितने आए, 1 सेंटीमीटर। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। अभी यहां देखो, यहां कितना है, 4, और यहां कितना है, 3। 4 में से 3 के कितने आए, 1। अब हमें लंबाई बतानी है। अब देखो बच्चों, यहां पर देखो आप, ये पिन का है ना, इसको इस लाइन को खींच के देखो तो ये कहां आ रही है, यहां आ रही है, 14 पे आ रही है ना। तो 14 में से 0 घटाओ, कितने घटाए, 14 में से 0 घटाए तो कितने आएंगे, 14। अब यहां देखो, इसको जब हम इसको लेके आते हैं तो ये यहां आ रही है, यानी कि 9.5, 9.5 पर आ रही है। देखो बच्चों, ये पहला 0, ये 0.5 और ये 1। तो अब ये 9.5 में से 0 घटाए तो कितना उत्तर आया, वही आएगा 9.5। अब इसको देखो आप, ये 0 है और ये कितना है, 12। तो ये 0 है और ये कितना है, देखो बच्चों, ये लाइन कहां पहुंच रही है, 12 तक। तो 12 में से 0 गए, 12। अब ये देखो, ये 0 है और ये लाइन कहां तक आ रही है, देखो आप बच्चों, 16 तक। तो 16 में से 0 गए, 16। इसी तरह से बच्चों, इस जो आगे देखो, ये देखो इसमें क्या, यहां नहीं, हम इसको यहां नापेंगे क्योंकि ये लंबाई यहां तक आएगी। तो ये कहां आ रही है, यहां तक। अब हम इसको लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया 8.5। कितना आ गया, 8.5। 8.5 में से 0 हो गए तो कितने आएंगे हमारे पास में, 8.5। अब यहां पर आप देखो, इसको हम आगे करते हैं तो ये यहां आ जाएगा, 10 11 12, 12.5। तो कितना आएगा बच्चों, 12.5। यहां पर हमें दो लंबाइयां नापनी है, एक पेंसिल की, एक शॉर्पनर की। और बताओ, शॉर्पनर पेंसिल से कितना छोटा है। तो देखो बच्चों, ये पेंसिल की लंबाई नापते हैं, ये है 6 और ये है 1। 6 में से 1 गया, 5। पेंसिल की लंबाई कितनी आ गई, 5। और शॉर्पनर की देखो, ये है 5 और ये है 3। 5 में से 3 गया, 2। तो पेंसिल की लंबाई 5, शॉर्पनर की लंबाई 2। अब इसको घटाव करेंगे तो आएगा 3। यानी कि शॉर्पनर पेंसिल से कितने सेंटीमीटर छोटा है, 3 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमें सबकी लंबाई नापनी, पहली रेखा की लंबाई हम नापेंगे। देखो ये 1 और ये है बच्चों 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, और ये है बच्चों 2.5। तो 2.5 में से 1 गया, कितने आ गया, 1.5। अब फिर आगे देखो, ये 2.5 है और ये है बच्चों 4। 4 में से 2.5 को घटाओगे तो आंसर आएगा बच्चों 1.5। अब ये देखो बच्चों, ये है बच्चों 3.5 और ये है बच्चों 5.5। तो 3.5 को जब हम 5.5 में घटाएंगे तो इसका उत्तर आएगा 2।
और फिर देखो बच्चों, ये है 5 और ये है 8, 8 में से 5 गए तो उत्तर आया बच्चों 3। तो सबसे लंबी रेखा की लंबाई बताए। देखो बच्चों, सबसे लंबी रेखा कौन सी है? 3। और सबसे छोटी कौन सी है? 1.5। अब आपको बताना है कि सबसे लंबी रेखा सबसे छोटी रेखा से कितने सेंटीमीटर बड़ी है, यानी कि 3 में से जब हम 1.5 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1.5। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये जो आज का स्माइल का होमवर्क है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।